हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आईफोन पर लॉगिन कैसे करें, आईफोन पर पेटीएम को कैसे लॉगिन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे वीडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से अपने को कैसे किया जाता है इसी टॉपिक पर बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, तो नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिंपली अपने को, जैसे कि मेरे पेटीएम ऑन हो चुका है, तो आप लोग को मैं बस थ्योरी के तौर पर बताने वाला हूँ। थ्योरी बोला जाए तो अपने भाषा में ही बस बताने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पर अपने को इस तरह से अपना होगा ओपन, तो इस तरह से अपना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से अपने को पासवर्ड मांगेगा, मतलब जीमेल आईडी क्या बोलते हैं, नंबर मांगेगा। जैसे कि अपने को पासवर्ड जिस पेटीएम से लिंक रहेगा, जिसे अकाउंट से लिंक रहेगा, उस नंबर को आप डालेंगे। डालने के बाद अपने को पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद अपने से ओटीपी आएगा, जिससे ओटीपी आने के बाद उसको डालेंगे, फिर वो हो जाएगा अपना इंस्टॉल, मतलब ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं लॉगिन। सिंपली एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ से अपने को पासवर्ड नंबर मांगेगा, जिस नंबर से आप अकाउंट नंबर लिंक रहता है, ठीक है। उस नंबर को डालने पर उस नंबर पर ओटीपी आएगा। दोस्तों वो नंबर आपको ऑन रख रहे हैं तो उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद अपने को सिंपली क्या करना रहेगा, सिंपली अपने को सिंपली आपको क्या करना रहेगा, पासवर्ड डालेंगे, फिर मतलब ओटीपी को डालेंगे, फिर हो जाएगा इंस्टॉल। इंस्टॉल मतलब लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब।